Hey, yo, what's up guys? तो यार आज का व्लॉग ना शायद बहुत स्पेशल हो क्योंकि अभी हम लोग एक पपी देखने जा रहे हैं। मैंने अभी रोड पर देखा था वो पपी खुद, लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि वो प्योर है या नहीं। मैंने सोचा घर आता हूँ, पहले पैसे देता हूँ, फातिमा को लेता हूँ और फिर देखते हैं, अगर वो प्योर हुआ तो लेंगे, वो अगर प्योर नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। तो आपको भी दिखाता हूँ, मैं वो सेंट बर्नार्ड का पपी है जो मुझे पसंद आया, उसके पास दो थे लेकिन मुझे सेंट बर्नार्ड चाहिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं अगर प्योर हुआ तो लेंगे। सब हम पपी देखने जा रहे हैं, जल्दी से चलो, वही चलाना चाहे वो। इसके फाइनल प्राइस आप बता दें मुझे, फीमेल के जी। अभी ये फीमेल है तो फीमेल के तो पैसे भी कम होते हैं, मुझे मेल चाहिए था, लेकिन उसके पास जो मेल है ना वो वाइट है, मुझे वाइट में नहीं चाहिए, ये चेक करना चाहिए। तो ये वाला सेंट बर्नार्ड है, पता नहीं ये प्योर है या नहीं, इससे भी कह रहे तो सेंट बर्नार्ड पर ये तो प्रो प्योर नहीं है, ये तो पता है। गाइस अब्बास अभी पैसे दे रहे और ये डॉगी हमने ले लिया। तो गाइस अभी हम लोग इसके लिए लेंगे सही लाइन। सही लग रहा है ये वैसे आपको, प्योर लग रहा है? तो प्योर लेकिन हैवी बोन नहीं है। फिर कौन सा मैं तो बना ली। क्या हुआ फाजमा खेल रहा है, ये देखो कैसे खेल रहा है। ओह अच्छा यार तुम यहाँ पर बैठ जाओ, बाद में खेलना घर जाके। कुछ आ तो नहीं है ऐसे खेल? नहीं नहीं अभी बाहर ही तो घूम रहा था, गाड़ी में क्या करेगा। खेल एक, इसका नाम क्या रखें ये भी तो सोचना है अभी घर जाके। नाम हम नेक्स्ट व्लॉग में रखेंगे। हाँ हमारा कोई प्लान नहीं था डॉगी लेने का, बस देख रहा था पर एकदम ही हुआ। हाँ और गाइज अगर आप मेरे सब्सक्राइबर कुछ हैं दो तीन लोग, वही कमेंट करके बताते हैं कि क्या नाम रखे हैं, तो सजेस्ट करें, हम फिर देखते हैं क्या पसंद आता है नाम। मेरा मुझे तो था कि मैं हस्की लूं पर अब यही मिला। यार सेंट बर्नार्ड भी बहुत अच्छा है, ये बड़े होके बहुत जबरदस्त होता है सेंट बर्नार्ड, लेकिन मसला ये है कि ना ये है फीमेल और हमें चाहिए था मेल। फीमेल पपीज ना हम दो दफा रख चुके हैं तो अब यार मेल चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आज हम पपी के लिए ले लिया सही लाइक। ये ले पास 250। तो गाइस ये हमने दही भी ले लिया जो कि इसको दोपहर में हम खिलाएंगे सुबह, और अभी सही लाइक ट्राई करेंगे ये खा रहा है या नहीं, वरना ये ना हम बच्चे को दे देंगे। हाँ। वैसे सही लाइक मैंने सुना बड़ों को भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। ले लिया गाइस, मुझे लग रहा है ये ना सुबह से भूख है। चलो भाई आओ घर आ गया, उतरो, चलो चलो चलो। पापा कैसा लग रहा है? बंद कर दो भाई दरवाजा और चलो चले अंदर हम। ये रहा तुम्हारा घर, आ जाओ। कैसे देख रहे हो ऊपर नहीं? मासूम है, मुझे लग रहा है अपने दोस्त को याद कर रहा है है ना? नहीं नहीं लूज है अभी, छोटा है ना। इधर आओ अंदर, गाड़ी के नीचे नहीं जाना। मुझे लग रहा है इसको ना शायद टॉयलेट आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, ऐसे में नीचे मुंह करके चल रहे हैं वॉशरूम के लिए। हाँ नो वो देखो टेल भी हिलने लग गई अभी से थोड़ी थोड़ी इसका। हाँ मम्मा को भी बताएंगे नहीं कि हमने डॉग ले लिया, सही है ये लोग। पहले मम्मा को कहना हम कि ना आयत के लिए सही लग रहा है। आयत इतनी बड़ी हो गई अभी एक पीछे हो, मैं जा रहा हूँ सही लग के क्या है आयत के लिए। आयत ये हम ट्राई करेंगे, ये देखते हैं। ये खाएगा सही लगेगा। मम्मा का रिएक्शन बहुत गुस्से वाला।
गाइस यार अभी मैं मम्मा का रिएक्शन ले रही थी, ये आ गया। तो गाइस अब हम इसको यहाँ पर टेरेस पे छोड़ते हैं और इसके लिए सही लेके तैयार करते हैं और इसे नीचे छोड़ते हैं, टेरेस पे नहीं छोड़ते। नहीं अभी जब तक वो बना देते। अच्छा क्यों होगी परेशानी? गाइस मसला ये, मम्मा कह रही हैं कि जब हम जाएंगे, जैसे बाहर जाते रहते हैं, जैसे हम कहीं जाएंगे तो इसे कहाँ पे छोड़ के जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता भी, हम गए थे पासपोर्ट बनवाने, तो हम कहीं जा रहे हैं लेकिन ये भी आ गया। तो ये भी आ गया, हम लोग कहीं जा रहे हैं, जैसे पता ही है आपको पासपोर्ट बनवाने में। तो फिर यार एमएच ब्लॉग को कहेंगे यार तुम हमारे घर आके रुक जाओ। चलो गाइस इसके साथ खेलते हैं अभी हम थोड़ा सा। ये देखा थोड़ा सा खेलो ना। अरे ओए ओए कितना खेल रहे हैं, भागो बस भागो। मेल होता ना जबरदस्त होता फिर गाइस, क्योंकि मेल जो है ना ज्यादा अच्छा होता है, मेल हेल्दी होता है। हम दो दफा फीमेल कुछ खिलाओ पहले। हाँ इसे कुछ खिलाते हैं गाइस। मेरा दिल नहीं कर रहा था लेने का, पर अब वो इसलिए मुझे लग रहा है दोबारा ये कुछ करे। जल्दी 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 भागो। बच्चे का बाथरूम में लेके जाना। मैं करवा के आता हूँ फिर। आवाज करवा रहे हैं, मैं ऊपर जा रही हूँ और मैं अपने हाथ धो रही हूँ। यार अभी इसको तई देखकर मैं देख रहा हूँ कि ये खा रहा है या नहीं, फिर जिससे लिया है ना उसको कॉल करके इसकी डाइट पूछेंगे। यहाँ पर मैंने छोड़ा था उसको, आराम से टॉयलेट कर ले। कर लिया नहीं किया तो यार जो इसने स्टोर किया ना वो बिल्कुल लिक्विड है, शायद इसने कुछ खाया नहीं है, केयर नहीं करता था जिसने रखा हुआ था। तो अब दही खा रहे, इसके बाद मैं इसको बोनलेस चिकन छोटा छोटा करके थोड़ा सा ही दूंगा, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा दे देंगे ना तो ये छोटा सा बच्चा यार अभी इसका पेट ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा। वाया बहुत जल्दी जल्दी खा लिया इसमें तो। अब यार हम लोग ना इसके काफ़ी सारे काम करने हैं, इसका नाम रखना है, इसकी वैक्सीनेशन होगी, फिर इसके लिए टॉयज़ लाएंगे और इसका डॉग फूड वगैरह भी लाना है। लेकिन अभी डॉग फूड नहीं दूंगा, वो इसके लिए पेट ख़राब हो जाएगा तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाइए उसके बाद। और अभी इसके लिए टॉयस लेकर आएंगे हम लोग कुछ दिन में। तो यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा लगा मुझे। अरे बस बस ख़त्म हो गया। तो अब ना मैं इसके लिए कुछ और भी बना के लाता हूँ। तो इसके लिए यार और खाना वगैरह बना के लाता हूँ, क्योंकि इसका तो पेट नहीं भरा होगा इससे, फौरन खा गया। फातिमा आप आ गए? तो यार ये ऐसे फौरन खा गया दही, और अब इसके लिए और भी लाना होगा क्योंकि भूखा है बेचारा, अभी तक वो चाट रहा है खाली बर्तन को। क्योंकि ना और जो इसने स्टोर किया ना वो भी लिक्विड बिल्कुल, तो इसने कुछ खाया नहीं है। तो यार सेंट बर्नार्ड आप थोड़ी देर अकेले बैठो यहाँ पर, हम लोग बस ऊपर से आपके लिए खाना लेकर आते हैं। तो मैंने राइस लिया लेकिन ये शायद फर्स्ट टाइम राइस खा रहा है, नहीं खाना। अच्छा चलो सेरेलेक बना के लाते हैं आपके लिए। तो मैं इसको सेरेलेक बना के ले आता हूँ और ये हम दे देंगे बिल्ली को, बिल्ली भी खा लेती है राइस। ये लो तो इसको तो चिकन भी दे सकते हैं, इसको चिकन दे देंगे अगर ये नहीं खाएगी। कितने सारे मच्छर हैं तुम्हारे पास? तो राइस सारी लाइक मैंने बना लिया है, उसमें थोड़े से राइस डाल दिया ताकि वो राइस खाना भी स्टार्ट कर दे, और फिर उसको वेजिटेबल्स भी दूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चिकन देंगे, डॉग फूड देंगे। तो अभी इसके लिए ये डाइट सही है, तो अभी मैं उसको देता हूँ। फिर राइस मैंने ठंडा कर लिया है सारी लाइक, और
दोबारा कर लेता हूँ थोड़ा सा, सही है ठंडा हो गया। तो अब हम इसको देते हैं और आगे व्लॉग्स में हम इसको ट्रेन भी करेंगे, जैसे कि स्टे मतलब ये फिर रुका करेगा जब तक हम निकलेंगे नहीं खाएगा, और इसको नाम की ट्रेनिंग देंगे तो, लेकिन वो आगे के ब्लॉग्स में आएगा, अभी इसको दे देते हैं। तो यार इसने थोड़े से राइस छोड़ दिए और सेरेलेक सारा ख़त्म कर दिया, राइस भी खा लेना तो अच्छी बात है। मैं इसका सेरेलेक भी जो है ना राइस फ्लेवर में ही लाया था ताकि ये फिर आगे सब कुछ खाए, इसको सिर्फ चिकन की आदत नहीं करनी। मैंने जो मेरा जर्मन शेफर्ड था ना ब्रॉली, वो भी सब कुछ खा लेता था और मैक्सी तो हर चीज़ खा लेता था, मैं तो इसको भी आदत करवानी है कि ये सब कुछ खाए, वेजिटेबल्स राइस और चिकन भी खाए, डॉग फूड भी खाए, तो खा रहे अब राइस भी। खा लो ख़त्म कर दो सब कुछ ताकि अब दोबारा भूख नहीं लगे, अब तुम सुबह खाओगे। तो चलो अब सो जाओ यार आराम से, तंग नहीं करो, अब हम ऊपर जाते हैं, ये भौंकना शुरू कर देता है। क्या फादर इसको गैराज में रखा करें या अंदर? इसको देख लेंगे किधर रखना है, अभी तो इसे गैराज में रखते हैं। अच्छा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर हम इसको गैराज में रखेंगे ना फातिमा, तो यार हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि गाड़ी को भी कोई निकाल रहा और ये नीचे आ गया। वो तो देखते कैसे खेल रहे, तो यार मैं स्लिप होने लगा था जहाँ पर इसने सुसु किया था वहाँ पर। बिल्ली बैठी हुई है और इसको देख रही है, ये तो आराम से मजे से सो रहा है, खुद ही थक रही है यहाँ पर बैठ के इसके लिए और ये आराम कर रहा है यहाँ पर। तो गाइस अभी ना डॉग तो सो रहा है और बिल्ली भी वहाँ से चली गई जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, और मैं यहीं पर बैठा हूँ थोड़ी देर, आप आगे वहाँ पर भी व्लॉग बना रहे हैं, बस चाय पी लो ठीक है, मौसम माहौल रहते यार मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ पर। और ये और यार अभी तो सिर्फ डॉग आया, जब गाय आ जाएगी तब तो हम यहीं रहने वाले हैं। तो गाइस ये देखें, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या आ गया, बिल्ली आ गई, मुझे तो बिल्ली ही लग रही थी क्योंकि वही ऐसे आते। तो ये देखो ये कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पर बैठ गया, वाह भाई वाह, इतना इंटेलिजेंट डॉग, खुद ही बाहर आ गए, बाहर से अंदर आ गया, गैराज में सो रहा था और यहाँ पर आके बैठ गया। वो भाई सोचो कहीं पर एक जगह बैठ के, अभी वहाँ था अब यहाँ पर आ गया, और चाय भी मैंने पी ली पूरी। हाँ क्या हुआ, खेलने के मूड में लग रहा है या तो यहाँ पर बैठ जाएगा अभी। हाँ बैठ गया, जितने भी डॉग थे ना जो भी मैंने पहले पप्पी लिए ना, वो ऐसे घुस के नहीं बैठते थे, वो बीच में बैठते थे, ये पता नहीं क्यों, शायद इसको जहाँ पर रखा होगा वो ऐसी जगह होगी, चलो आदत चेंज हो जाएगी इसकी भी। नो 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 पीछो, चलो यहाँ से, अभी इसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा भाई, वैसे ना डांट के ट्रेन नहीं करते, वो ट्रीट वगैरह देकर ट्रेन करते हैं, तो अभी तो मैं ऐसे ही डांट रहा हूँ क्योंकि ट्रीट तो है नहीं अभी मेरे पास कि इसको ट्रेन करूँ, तो अभी इसको डांट के ही रोकना होगा। गाइस ये यहाँ पर सो रहे और इसका पीछा करते करते ना एक चलाक से ये रही बिल्ली, ये आई है इसका पीछा पीछा करते करते, जो क्या मेरे हस्बैंड में चली गई, आ जाएगी और बाहर चली जाएगी,
अब मसला पता है क्या है इसको, मैं अंदर भी नहीं छोड़ सकता कि अंदर ही है बिल्ली, भी कभी भी आकर इस पर हमला करेगी, बाहर भी नहीं छोड़ सकता, बाहर दूसरी बिल्लियाँ होंगी, तो अब उसको निकाल के जाना पड़ेगा ऊपर वापस। तो चली गई बिल्ली, सही सोकर उठ गया, अब हम लोग बाहर चलते हैं। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ। तो यार जब भी पप्पी सोकर उठते हैं ना तो फिर कोई जरूर आता है, तो इसके ना अंदर रखना सेफ नहीं, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर अंदर आया करना, जब ट्रेन हो जाओगे थोड़ा सा सोता है और उसके बाद फिर खेलने के मूड में आ जाता है, तो फिर से सुसु करेगा। ये रुक जा रुक जा रुक नो नो यार शिट, बहुत करता है भाई ये तो, जब से आया ना ये चौथी दफा, और इसको ट्रेन करना पड़ेगा। पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो, सो जाओ, लाइट ऑफ कर दिया तुम्हारे लिए, हाँ यहीं पर बैठो और सो जाओ। सो गाइस लाइट ऑफ कर दी है और अब मैं भी सोने जाता हूँ ऊपर, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बाइक आ गया, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि और पपीज़ के साथ जो व्लॉग आएंगे वो भी आप लोग देख सकें, और जो अनबॉक्सिंग आएगी वो भी आप लोग देख सकें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।